3 मार्च को रैली है, हम लोग जाएंगे। आप लोग जा रहे हैं? एकदम जाएंगे, जितना जितना आदमी होगा उतना लेकर जाना है। पाल जी से तो हम लोग का पारिवारिक संबंध है, लेकिन राजनीतिक जहाँ पे महत्वाकांक्षा है, अगर तेजस्वी जी पूरा कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ। सांसद महोदय नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नाराज क्या होंगे, ऐसा थोड़े, उनका अपना क्षेत्र अलग है, हम लोग का अपना। 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में तेजस्वी यादव की ओर से महारैली का आयोजन किया गया है और महागठबंधन के सभी नेता वहां पहुंचेंगे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, अभी मौजूद है पटना के गोरिया टोली इलाके में, और कहा जाता है ये पटना का सबसे बड़ा खटाल है। आप देख सकते हैं चारों ओर जो है यहाँ पे गाय और भैंस यहाँ पे बंधे हुए हैं, और यहाँ पे दूध का एक बड़ा कारोबार होता है। बगल में ये खटाल जो है सांसद रामकृपाल यादव के इलाके में है, इसके ठीक पीछे रामकृपाल यादव जी का घर भी है। और यहाँ पे जो यादव समाज के जो लोग हैं उनसे जानते हैं, क्या आप लोग तेजस्वी यादव की महारैली में जाइएगा गांधी मैदान? जी कहा है ना जी, जब कहा है ये जाना जी जरूरी है, तो बोलो ना, हम जी कहे नहीं है। तेजस्वी यादव के फैन हैं आप जी? ठीक है, हम ये गाचित नहीं कहे ना जब भाई, जाना है, जाना है। हाँ? कितना आदमी लेके जा रहे हैं आप? अब जी जितना जाते हैं 200, 2000, 5000, जाओ जी, बढ़िया का बात ना है। और जो को जी तेजस्वी यादव के काम को कैसे देखते हैं आप, जो 17 महीना वो काम किए, कैसे देख रहे हैं, कितना अच्छा काम किए? जी ठीक है, ये काम तो बढ़िया करके ना, अच्छे अच्छा तो करवे करके। बगल में रामकृपाल जी हैं, क्या गुस्साएंगे नहीं आप जाइएगा रैली में तो? जी कहा है ये न गच रैली है, ये हम गच रैली है ना कि हाँ जाए भाई, ओ जाइएगा जी। क्या नाम हुआ आपका? जी हमारा जी शैलेंद्र नाम है। शैलेंद्र जी नाम है, चाचा इधर आइएगा एक मिनट। क्या नाम हुआ आपका? राम सेवक पासवान। राम? राम सेवक पासवान। इस इलाके में आप रहते हैं? जी। रामकृपाल जी भी यहीं पे रहते हैं? हाँ हाँ, देख रहे हैं बगले में है। 3 मार्च को रैली है, हम लोग जाएंगे। आप लोग जा रहे हैं? एकदम जाएंगे, जितना जितना आदमी होगा उतना लेकर जाना है। पूरी तैयारी में है आप? हाँ, पूरी तैयारी में है। रामकृपाल यादव जी का घर बगल में है, नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ना ना, नाराज क्या होंगे, ये तो नाराजी चलते रहता है, चलते रहेगा, ऐसी होते ही रहता है, लेकिन हम लोग को जो काम है सपना करेंगे। तेजस्वी यादव के काम के कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा से देखते हैं, इनकी नौकरी मास्टरी वाला में अथी में सब उन्हीं के जोड़ से हुआ है, टीचर वाला में जितना है सब उन्हीं के जोड़ से हुआ है। बहुत अच्छा काम, इसीलिए जाइएगा आप लोग महारैली में। हाँ एकदम जाएंगे। नीतीश कुमार को कैसे देखते हैं? नीतीश कुमार तो अपना वो पलटू राम है, इधर से उधर करते रहते हैं, उनको पर कोई भरोसा है? नीतीश कुमार को भी न्योता दिया गया रैली में आने के लिए? हाँ, तब आएंगे तो और बढ़िया बात है। लगता है कि आएंगे? उम्मीद नहीं है जाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल यादव है। विशाल यादव है। विशाल जी बताइएगा, इतने बड़े खटाल में आप यहाँ पे मौजूद हैं, बगल में रामकृपाल यादव जी का घर भी है, 3 मार्च को गांधी मैदान में रैली है, क्या आप लोग जा रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग तो जितना जन समर्थन है उतना जाएगा। रामकृपाल जी से तो हम लोग का पारिवारिक संबंध है, लेकिन राजनीतिक जहाँ पे महत्वाकांक्षा है, अगर तेजस्वी जी पूरा कर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ हैं। नाराज नहीं हो जाएंगे? नहीं, नाराज की बात नहीं है, सबका अपना व्यक्तिगत आजादी है। चलिए ठीक है, उस कोई दिक्कत नहीं है, सब पारिवारिक संबंध भी है। तेजस्वी यादव के काम को कैसे देखते हैं? हाँ बहुत अच्छा है, नौकरी दिए, लोगों में आशा बंधा है, और अघोषित आपातकाल की तरह जो समय चल रहा है उससे और लोगों में नाराजगी है, और हो सके तो अगर नहीं, अगर इस बार इलेक्शन दे तो शायद हम लोग का अंतिम इलेक्शन हो, ये भी मान रहे हैं आप लोग? हाँ हम मान रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कैसा काम किया? तेजस्वी यादव ने काम करने का मौका तो उनको नहीं मिला उतना, ओवर शेडो होगा, लेकिन तो भी अच्छा लगा उनका काम। 17 महीने अच्छा काम किया? हाँ 17 महीने अच्छा काम किया। तो तेजस्वी यादव के काम की तारीफ भी हो रही है, और भी लोग। क्या नाम हुआ सर आपका? अवनीश कुमार। अवनीश कुमार, 3 मार्च को गांधी मैदान जा रहे हैं आप लोग? हाँ जाएंगे, जाएंगे सब लोग, जाएंगे। इसी इलाके में आप रहते हैं? है सब समर्थन है, ऐसा बात नहीं है। कितने लोगों को लेके जा रहे हैं? जितना हो जाए, थोड़ी। आपके यहाँ सांसद महोदय नाराज तो नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नाराज क्या होंगे, ऐसा थोड़े, उनका अपना क्षेत्र अलग है, हम लोग का अपना अथी अलग है, पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से अपना अथी करते हैं, ऐसा थोड़ी है, हम लोग अपना है। इसी इलाके में भी रहते हैं वो? हाँ रहते हैं, क्या नहीं है। तेजस्वी यादव काम को कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है, जो अभी 17 महीने में काम किए अच्छा लगा, और मौका मिलेंगे तो और बढ़िया करेंगे, ऐसा बात नहीं, नौजवानों के लिए काम सही से कर रहे हैं।
नौकरी। तेजस्वी यादव की काम की तारीफ हो रही है, क्या नाम हुआ आपका? राजा राम यादव जी हैं। इसी खटाल में हैं आप? हाँ, खटाल में। कहा जाता है पटना का सबसे बड़ा खटाल है शायद जी। हाँ। कितनी गाय हैं यहाँ पे? 100 से ऊपर होगा। 100 से ऊपर है। 3 मार्च को रैली है, एकदम चलेंगे। जा रहे हैं एकदम? कितने लोगों के साथ जा रहे हैं? साथ तो लगता है कि 8-9 लाख की संख्या में आएगा। आप कितने लोगों के साथ जा रहे हैं? हम लोग तो जाएंगे यहाँ से 150-200। 150-200 जाएंगे। हाँ। रामकृपाल यादव जी बगल में रहते हैं? हाँ, तो वो तो रहते हैं, तब तो अपना साइड में है ये है। उनका भी तो दूध यहीं से जाता होगा? हाँ, जाता है। नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ना, नाराज कहला होंगे? नाराज नहीं होंगे। कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव के काम को? काम को तो बड़ा बढ़िया देखे हैं। काम तो बढ़िया, अच्छा काम कर रहे हैं? कर रहे हैं, अभी तो अच्छा कर रहे हैं। आगे चल के अगर बहुमत मिलेगा तो कुछ कर सकते हैं। तो आगे चल के अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये था गोरिया टोली का खटाल। यहाँ रामकृपाल यादव जी का घर भी है और रामकृपाल यादव जी के घर के पास तेजस्वी यादव के इतने सारे फॉलोअर, तो हैरानी की बात है। और इनका साफ तौर पर कहना है कि 3 मार्च को ये सभी बढ़ चढ़कर तेजस्वी यादव की महारैली में शामिल होंगे। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।